हेलो फ्रेंड्स, ओके नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, सो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अर्चना परचेस गुड्स फ्रॉम बबीता। अर्चना ने क्या किया है, परचेस किया है। और हम लोगों ने क्या सीखा था, परचेस करने वाला मतलब कस्टमर, कस्टमर हम लोगों का कौन रहेगा, ड्रॉवी। सो अर्चना कौन है, ड्रॉवी। गुड्स फ्रॉम बबीता, किसके पास से परचेस किया, बबीता। इसका मतलब बबीता कौन है, सेलर, सेलर मतलब ड्रॉवर। और हम लोगों को किसके बुक में एंट्रीज करनी है, ड्रॉवर के, बराबर। ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 20,000, 20,000 का उसने गुड्स परचेस किया है। ऑन नेक्स्ट डे अर्चना पेड रुपीज 10,000, उसके दूसरे ही दिन अर्चना ने क्या किया, 10,000 पेड किया बबीता को। एंड एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय बबीता फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 4 मंथ्स। ओके, सो उसके बाद बबीता ने 10,000 नेक्स्ट डे आके पेड किया और बाकी बचा हुआ, मतलब कितना बचा हुआ, 10,000। सो 10,000 के ऊपर, बैलेंस के अमाउंट के ऊपर न्यू बिल ड्रॉन किया, एक बिल ड्रॉन किया 4 मंथ्स के एक्सेप्टेंस के साथ। बबीता डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक फॉर रुपीज़ 9,600। बबीता को पैसों की ज़रूरत थी, बबीता ने क्या किया, बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया, बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया और बैंक के पास से 9,600 रुपीज़ ले लिए। बिफोर द ड्यू डेट अर्चना अप्रोच बबीता विथ अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। ड्यू डेट के थोड़े दिन पहले अर्चना ने क्या किया, अप्रोच किया बबीता को कि नया बिल बनाओ। अब यहाँ पर नया बिल बनाने बोला है, बबीता ने एग्री भी किया, बबीता ने एग्री भी किया, बट कंडीशन क्या रखा, द कंडीशन दैट अर्चना शुड पे रुपीज 6,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। लास्ट सम हम लोग ने पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, कंडीशन सेम था बट जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट हम लोगों ने बिल, न्यू बिल के साथ पेड किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्ट पेमेंट, अर्चना शुड पे 6,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब पार्ट पेमेंट जो होता है उसके साथ 6,000 के साथ इंटरेस्ट पेड करने बोला है। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट, सो बैलेंस अमाउंट कितनी रहेगी, 4,000। 10,000 का बिल था, 6,000 उसने पेड किया, बराबर, इंटरेस्ट अलग रहता है और बचा हुआ 4,000 न्यू बिल बनाएंगे। दिस एग्रीमेंट वेयर ड्यूली कैरिड आउट न्यू बिल इज मीट ऑन द ड्यू डेट पास जन एंट्री इन द बुक्स ऑफ बबीता। हाँ, नहीं बोला तो भी हम लोग ड्रॉवर के बुक में ही एंट्री करने वाले, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ड्रॉवर ही सीख रहे हैं, बराबर। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल दी, जन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बबीता। उसके बाद मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। फिर देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, रियल अकाउंट, क्या कहता है वो गोल्डन रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। ओके, सो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है, अर्चना परचेस गुड्स फ्रॉम बबीता। अब हम लोग किसके बुक में, बबीता के। अर्चना ने परचेस किया था पर बबीता ने क्या किया, सेल्स, बराबर ना। जब बबीता सेल्स करेगा तभी अर्चना परचेस कर पाएगी ना। सो हम लोगों को बबीता के बुक में करना है, तो बबीता ने क्या किया है, सेल्स किया है, बराबर। सो हम लोगों को सेल्स की एंट्री करनी है, बराबर। सो मेरे पास से गुड्स चला जा रहा है, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड, बराबर। सो टू सेल्स, बड़े हो गए ना, गुड्स की जगह पे अभी हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स। सो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिख दी 20,000। उसके बदले में मेरे पास कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं आया, अभी तक पैसा नहीं दिया है, बराबर। सो किसको मैंने गुड्स बेचे, अर्चना को। सो हमारी एंट्री क्या बनी, अर्चना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000, 20,000 बींग गुड्स सोल्ड नरेशन, बराबर। उसके बाद क्या हुआ है, ऑन द नेक्स्ट डे
और नेक्स्ट डे अर्चना पेड 10,000 टू बबीता. ओके, नेक्स्ट डे ही, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं हुई है, इसके लिए मैंने नंबर्स डाले, 1 पहले क्वेश्चन मार्क, फिर 2. नेक्स्ट डे क्या हुआ है, पार्ट पेमेंट हुआ है ना, अर्चना ने बबीता को 10,000 पेड किए. बबीता मैं हूँ इस सम के लिए, ड्रॉवर हूँ ना मैं, सो मेरे पास पैसा आ रहा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया तो डेबिट. 2, किसने दिया, अर्चना ने, इसके लिए अर्चना अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि इसके बदले में मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा है, जाना था वो तो पहले ही चला गया, सो इसके लिए अर्चना अकाउंट बराबर. अमाउंट 10,000 10,000. नरेशन बिंग द पार्ट पेमेंट मेड बराबर. उसके बाद एंड के बाद एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय बबीता फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 4 मंथ्स. ओके, सो इसका मतलब क्या, बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है, 20,000 का गुड सोल्ड किया था, 10,000 पेड किया, बचा हुआ 10,000, वो 4 मंथ्स के लिए नया बिल बनाओ. ओके देन, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, थर्ड एंट्री देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अर्चना अकाउंट, न्यू बिल मैंने ड्रॉन किया, ड्रॉवी को दिया, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. ड्रॉवी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, डबल सिग्नेचर, मॉनेटरी वैल्यू आ चुकी है, और ड्रॉवी रिटर्न ड्रॉवर को देगा, मतलब मुझे देगा. तो मेरे पास बिल आ रहा है ना, तो बिल आया, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड बराबर. किसने दिया, ड्रॉवी मतलब अर्चना. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अर्चना अकाउंट 10,000 10,000. राइट है या रॉन्ग, राइट है, अरे मैंने लिखा है तो राइट ही रहेगा ना, रॉन्ग था वो गलत किया ना मैंने. ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाँ, बबीता डिस्काउंट बिल विथ हर बैंक ₹9,600. बबीता ने बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ, पैसों की ज़रूरत पड़ गई होगी, सो गए बैंक में और ले लिया पैसा. सो पूरा का पूरा पैसा दिया क्या बैंक वालों ने, नहीं, बैंक वाला मेरा सगे वाला नहीं है, पहले ही बोला था बराबर. सो बैंक ने चार्जेस कट लिए. ओके देन, सो मेरे पास से मैं क्या करता हूँ, जब बिल डिस्काउंट करता हूँ तो क्या करता हूँ, बिल बैंक को देता हूँ. मेरे पास से बिल जा रहा है, बिल गया तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटेड, 10,000 का बिल था बराबर, हाँ या ना बराबर. और उसके बदले में बैंक के पास से मैंने क्या लिया, पैसा बराबर. सो ये पैसा आया ना, आया तो डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,600, राइट है सर, 9,600 और 10,000, 400 का डिफरेंस है, हाँ, तो यही तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है. सो कौन सी साइड पे कम है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में मैंने 400 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड बराबर. समझ में आया क्या, नरेशन लिखा बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बबीता एग्रीड द कंडीशन दैट अर्चना सॉरी बिफोर द ड्यू डेट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिफोर द ड्यू डेट अर्चना अप्रोच बबीता विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल. अरे यार, नया बिल बनाने बोला तो हम लोगों ने के पास क्या सबसे पहले कंडीशन आती है, कि पुराना बिल कैंसिल करो बराबर. पुराना बिल कैंसिल करते हम लोग, डिसऑनर करते या फिर बराबर. सो बिल कैंसिल करते तो क्या होता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं जाके सीधा ड्रॉवी के मुंह पे फेंक के मारता हूँ बिल बराबर. फेंक के मारा बिल तो मेरे पास से बिल चला गया, हाँ रे बाबा बिल चला गया. बट बिल मेरे पास था क्या, नहीं, बिल किसके पास था, बैंक के पास. सो नॉर्मल कंडीशन में मेरा जर्नी एंट्री क्या था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये एंट्री है. बट यहाँ पर ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी अर्चना सका अर्चना, इसके लिए मैंने क्या लिखा, अर्चना अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बट बिल मेरे पास है क्या, नहीं,
तो बिल नहीं है, तो बिल की जगह पे क्या आएगा, बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो टू बैंक अकाउंट। हाँ अभी आपको सवाल पड़ रहा होगा ये बैंक अकाउंट क्यों आता है। बैंक मेरे सगे वाला नहीं था, मैंने जैसे बोला था। तो अगर बिल डिस्काउंट किया हुआ है, मैंने पैसे ले लिए, बैंक क्या करने वाला था, ड्रॉवी के पास से पैसे लेने वाला था, ड्रॉवी ने मना कर दिया, तो बैंक पैसे थोड़ी ना छोड़ेगा, बैंक क्या करेगा, वापस मेरे पास आएगा और मेरे से पैसे लेके चला जाएगा। तो मेरे पास से ये पैसे जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में डालते हैं हम लोग, बराबर। इसके लिए ये जन एंट्री चेंज हो रही है, समझ में आया। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मेरी एंट्री क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड बराबर है, अर्चना अकाउंट डेबिटेड मैंने कर दिया टू बिल रिसीवेबल की जगह पे। बिल अगर मेरे पास नहीं है तो किधर है, उसका नाम टू बिल्स बैंक के पास है, तो बैंक अकाउंट बराबर। बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर 10,000, 10,000 ओके। उसके बाद क्या हुआ था, रिन्यू करने बोला है ना, रिन्यू करने बोला है, तो मेरे पास चार एंट्रीज चेक करनी पड़ती है, बराबर। नंबर 1 पार्ट पेमेंट, नंबर 2 इंटरेस्ट चार्ज, नंबर 3 नोटिंग चार्जेस, नंबर 4 न्यू बिल। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बबीता एग्री विद द कंडीशन दैट अर्चना शुड पे 6,000 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ ₹120। मतलब ये क्या है, मेरा पार्ट पेमेंट। राइट है, पार्ट पेमेंट मिल गया मुझे, एंड एक्सेप्ट न्यू बिल डायरेक्टली, बचा हुआ न्यू बिल बोला है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हम लोगों को सबसे पहले पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अरे बट पार्ट पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बोला है, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, बराबर। मैं सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेता हूँ, और इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने दिया हुआ ही है, बराबर। और इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस के बारे में मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एक्सेप्शन दिया था कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों को कौन से बेसिस पे जानी है, हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल के बेसिस पे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड ग्रेन क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम। इंटरेस्ट कहाँ पे गया, क्रेडिट साइड में, बराबर। ये इनकम कहाँ से आ रहा है, अर्चना के पास से ना। अर्चना अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 120, 120 नरेशन क्या आया, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। समझ में आया क्या। उसके बाद हम लोगों को देखना है हमारा नेक्स्ट एंट्री, जो होता है पार्ट पेमेंट, बराबर। पार्ट पेमेंट की एंट्री देखो, 7th एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अर्चनाज अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अर्चनाज अकाउंट, अमाउंट है 6,120, 6,120 बराबर। उन्होंने ही बोला था 6,000 पार्ट पेमेंट करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, 120 उसके साथ ऐड करना है, अलॉन्ग विथ का मतलब है 120 उसके साथ ऐड करना है। 6,120, 6,000 बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, ओके राइट है। उसके बाद देखो क्या बोला था, एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस। बैलेंस अमाउंट के लिए हम लोगों को न्यू बिल बनाना पड़ेगा, और न्यू बिल बनाने के बाद मैंने बिल बना दिया, ड्रॉवी ने लिया, ड्रॉवी ने साइन किया, एक्सेप्ट किया और राइटन मेरे पास दिया, बराबर। जब मैं देता हूँ ड्रॉवी को, उसके ऊपर सिग्नल सिग्नेचर, सिंगल सिग्नेचर रहेगा, सिंगल सिग्नेचर रहेगा, इसका मतलब उसको कोई भी मॉनिटरी वैल्यू नहीं रहेगा, और मॉनिटरी वैल्यू नहीं है तो उसका कोई भी अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं आएगा, बराबर। इसके वजह से हम लोग वो एंट्री नहीं करते, बट जब ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी का भी सिग्नेचर आ गया, दो सिग्नेचर हो गए, इसका मतलब वो एक एग्रीमेंट बना, और एग्रीमेंट को मॉनेटरी वैल्यू आ जाता है, और मॉनेटरी वैल्यू आने के बाद उसकी एंट्री करनी कंपलसरी बनती है। ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके वो बिल क्या किया, ड्रॉवर को दे दिया। ड्रॉवर को दे दिया तो मेरे पास बिल आ रहा है, आया तो डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अर्चनास अकाउंट, बराबर। 4,000, 4,000 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बराबर। यहाँ तक समझ में आया है, कैमरा हिल चुका है,
ओके सो 4,000 4,000 यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, दिस एग्रीमेंट वेयर ड्यूली कैरिड आउट न्यू बिल इज मीट ऑन द ड्यू डेट, मीट ऑन द ड्यू डेट मतलब पेड हो चुका है, बिल पेड हो चुका है मतलब बिल हॉनर हो चुका है। सो बिल पेड हो गया मतलब ड्रॉवी ने पैसे ड्रॉवर को दिए, ड्रॉवर कौन है, मैं हूँ। सो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बदले में मैंने क्या किया, बिल जो बनाया था वो दे दिया। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड 4,000 4,000, न्यू बिल बना था 4,000 के लिए, बराबर बिंग बिल हॉनर। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आपके लिए है, टोटल करो दोनों साइड के और लिख दो। न वर्किंग नोट एक बार देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर बिल अमाउंट था मेरा 10,000 का बिल बनाया था हम लोगों ने, बैंक ने मुझे पेड किए 9,600, जो 400 बचे वो था मेरा डिस्काउंट। समझ में आया डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया था। और वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी गिवन इन द सम डायरेक्टली, मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा मज़ा। ओके तो समझ में आया है सम, ये सम समझ में आने के बाद आप लोगों को ये सम कॉपी भी करना है और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।